नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। अगर आप पहली बार इस चैनल में आ रहे हैं तो मैं शॉर्टकट में बता दूं कि इस चैनल में हम रेगुलरली इंटीरियर डेकोरेशन, बिल्डिंग मटेरियल, फर्नीचर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियो रेगुलरली लाते रहते हैं। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट रहता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। तो चलिए आज बात करते हैं वॉलपेपर के जो पीछे सिम्बल्स होते हैं, वॉलपेपर के पीछे जो यूज़र इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके बारे में, उसको कैसे समझना चाहिए, उसको कैसे पढ़ना चाहिए और उसका क्या मतलब निकलता है, और उसका मतलब निकालने से जो यूज़र है, जो उस वॉलपेपर को यूज़ करने वाला है, उसे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यूज़र से रिलेटेड है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो जो इंस्टॉलर है जो वॉलपेपर लगा रहा है। इंटरनेशनली बहुत सारे लोग वॉलपेपर खरीदते हैं और खुद लगाते हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन भारतवर्ष में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भारतवर्ष में वॉलपेपर लगाने वाला अलग से आता है, तो जब वो लगाने के लिए आए तो उसके पीछे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उसको देख करके आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं वॉलपेपर के पीछे लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस के बारे में। वॉलपेपर अगर आपने गीली दीवार पर लगा दिया या ऐसी दीवार पर लगा दिया जिसमें सिम आती है तो वो वॉलपेपर उतर सकता है। दूसरा, वॉलपेपर अगर किसी दीवार में क्रैक है या क्रैक बढ़ रहा है तो वो वॉलपेपर को फाड़ सकती है दीवार जो क्रैक की वजह से। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे बहते हुए पानी वाली जो डिज़ाइन बनी हुई रहती है वॉलपेपर के पीछे, उसका क्या मतलब होता है। तो ये जो डिज़ाइन होती है इसकी दो लाइनें होती है। दो लाइनें अगर वॉलपेपर के पीछे बनी हुई है इसका मतलब कि ये वॉलपेपर वॉशेबल है। वॉशेबल का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि पाइप लगा के आपको धोना है। वॉशेबल का मतलब ये है कि कोई गीला कपड़ा लेकर के या कोई कॉटन में पानी लगा करके आप उस वॉलपेपर को, कोई भी स्पॉट्स हुए हैं, कोई धब्बे लग गए हों तो उसको आप क्लीन कर सकते हैं। कोई ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं, कुछ भी स्पॉट्स जो यूज़ करने की वजह से, बार बार हाथ लगने की वजह से जो स्पॉट्स आ जाते हैं, वो आप उस वॉलपेपर को पानी से, प्लेन वाटर से आप क्लीन कर सकते हैं, तो वो वॉलपेपर ख़राब नहीं होगा। माइल्ड मतलब थोड़ा हल्का फुल्का आप अगर पानी लगाते हैं ऊपर से, वॉलपेपर के ऊपर से, तो वो क्लीन कर सकते हैं। ऐसी ही बहते हुए पानी की तीन लाइनें अगर है तो वो एक्स्ट्रा वॉशेबल हो गया, मतलब थोड़ा और ज़्यादा आप उसको वॉश कर सकते हैं। वॉश कर सकते हैं मतलब थोड़ा ज़्यादा पानी आप लगा के, थोड़ा बहता हुआ पानी भी, थोड़ा अगर मान लीजिए आप कॉटन को थोड़ा ज़्यादा वेट करके आप उसमें लगाते हैं और फिर सूखे कपड़े से उसको पोंछ देते हैं तो वॉलपेपर, वो जो पानी है उसको बेयर कर लेगा, वॉलपेपर ख़राब नहीं होगा। अब बात करते हैं कि अगर सपोज मान लीजिए एक आपने सिंपल कॉटन से साफ कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गई, ऐसा कोई धब्बा लग गया या ऐसा कोई स्पॉट आ गया है जिसको हल्का फुल्का आपको रगड़ने की भी ज़रूरत है, जैसे बिल्कुल महीन जो स्कॉच ब्राइट हो गया या जो नायलॉन की या प्लास्टिक की जो ब्रश होती है उससे या टूथब्रश से थोड़ा आप रगड़ के साफ करना चाहें, तो उसके लिए जो लोग जो सिंबल होता है उसमें ये बहते हुए पानी की लाइन होती है और एक नीचे एक बोल्ड सी लाइन होती है और नीचे जैसे हल्का सा ब्रश जैसा लोगो बना हुआ होता है। तो ये जो डिज़ाइन अगर किसी वॉलपेपर के ऊपर है तो उस वॉलपेपर को आप हल्की लाइट ब्रश से, बहुत हल्के हाथ से उस वॉलपेपर को आप क्लीन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्क्रब कर सकते हैं। फिर यही लोगो, नीचे वाला जो ब्रश का निशान, फिर एक डार्क ब्लैक लाइन और ऊपर अगर आपके तीन या चार लाइन बहते हुए पानी की है, लोगो बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये वॉलपेपर थोड़ा मजबूत है, उसको आप थोड़ा ज़्यादा आप स्क्रब कर सकते हैं। स्क्रब कर सकते हैं मतलब कोई बहुत शार्प ऑब्जेक्ट से आप स्क्रब मत कर दीजिएगा, नहीं तो वो जो उसके ऊपर जो विनाइल का जो लेयर लगा हुआ होता है वो उतर सकता है, वॉलपेपर को डैमेज कर सकता है। बिल्कुल महीन जितना आप प्रिकॉशन रख सकते हैं, बट थोड़ा उसको आप हल्का सा और ज़्यादा क्लीनिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो वॉलपेपर का जो कलर है वो, अगर मान लीजिए धूप से, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज से, जो डायरेक्ट जो सनलाइट पड़ती है उसकी वजह से वो ख़राब होगा या नहीं होगा, इसके भी सिंबल्स काफ़ी सारे वॉलपेपर्स के पीछे होते हैं। तो एक सूर्य की सूर्य का निशान होता है गोल सर्कल, उसके चारों तरफ ऐसे, जैसे अपन बचपन में जो सूर्य की जो ड्राइंग बनाते थे वैसी ड्राइंग होती है। उस ड्राइंग का मतलब है कलर फास्टनेस, उसका जो रिलेशन है वो अल्ट्रावायलेट रेज से जो कलर फेड होता है या कलर फास्टनेस कितना है इस वॉलपेपर का, उसके बारे में। तो इसके भी अलग अलग लेवल होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आधा सूर्य बना हुआ है इसका मतलब ये मॉडरेटली कलर फास्ट है, तो इसको ऐसी जगह पे लगाने से बचें जहाँ पे सीधी धूप, डायरेक्ट तेज़ धूप आती हो, ऐसी जगह पे ना लगाएं। फिर उसी आधे सूर्य में एक प्लस का निशान होता है, बीच में एक प्लस का निशान होता है, इसका मतलब वो सेटिस्फैक्ट्री कलर फास्टनेस है। तो आप थोड़ी बहुत अगर आप वहाँ पे लाइट आ रही हो, डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो या कोई मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी भी आ रही हो, वहाँ पे रीजनेबली लगा सकते हैं। फिर आता है पूरा गोल सूर्य का निशान, पूरा जो गोल सूर्य का निशान है इसका मतलब उस वॉलपेपर की जो कलर फास्टनेस है वो जो दिन में हाफ सूर्य के निशान बने हुए उससे बेटर है।
इसको आप समझ लीजिए, वह ठीक है, जैसे लॉबीज वगैरह में जो कवर्ड एरिया का जो, जैसे सपोज मान लीजिए कोई पोर्च है, होटल का पोर्च है, ऐसी जगह पे आप उसको लगा सकते हैं। उसमें जो लाइट आती है और जो बाहर का जो वातावरण की जो गर्मी सर्दी मॉइस्चर आता है उसको वो रीजनेबली बेयर कर लेगा। फिर जैसे पहले मैंने आपको बताया था ये आधे सूर्य के निशान, उसमें जो प्लस का निशान होता है, वैसे ये पूरे सूर्य के निशान के अंदर प्लस का निशान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अच्छे कलर फास्टनेस से थोड़ा और बेहतर है, जैसे ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है तो ये और ज़्यादा मजबूत है। और ऐसे ही जैसे ये आया, इसके बाद दो सूर्य के निशान आएंगे डबल, एक सूर्य का निशान, और इसका मतलब है कि इसका जो कलर फास्टनेस है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसमें आप प्रिकॉशन रखिएगा कि ऐसी किसी भी जगह पे ये वॉलपेपर मत लगा दीजिएगा जिसमें सीधे पानी की बौछार आके वॉलपेपर पे गिरती हो। कवर्ड एरिया में ही लगाना है। सूर्य की जो लाइट होती है, जो लाइट है सूर्य की लाइट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो लाइट आती है, उससे जो पेपर का या कपड़ों का जो कलर फेड हो जाता है उसको ये रीजनेबली बेयर कर लेगा। यूवी ट्रीटेड वॉलपेपर समझ लीजिए आप, जिसमें दो सूर्य के निशान होते हैं। इसके बाद जो सिंबल्स बने हुए होते हैं वॉलपेपर के पीछे, वो होते हैं एक पीस, एक वॉलपेपर का एक पीस आपने लगाया, फिर उसके बराबर में जब आप दूसरा पीस लगाते हैं तो वो जो डिज़ाइन को मैच करने के लिए सिंबल्स बने हुए होते हैं। तो सबसे जो बेसिक सिंबल होता है ये एक सीधी खड़ी लाइन है, इधर एक एरो का निशान और इधर एक जीरो का निशान। ये जो सिंबल होता है जिस भी वॉलपेपर के पीछे, इस वॉलपेपर को लगाना सबसे आसान काम है। ये रैंडम ऐसे एक पेपर पीस लगा दीजिए और दूसरा पीस लगा दीजिए और डिज़ाइन ऑटोमेटिकली मैचेबल डिज़ाइन होती है। एक पीस लगा दीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। बराबर में अगर आप वॉलपेपर को भिड़ा के लगा देते हैं तो भी ये ऑलमोस्ट डिज़ाइन मैच करता हुआ दिखेगा। दूसरी जो लाइन होती है खड़ी लाइन होती है बीच में, इधर भी एक एरो का निशान होता है, इधर भी एक एरो का निशान होता है, तो उसको स्ट्रेट मैच बोलते हैं। जैसे किसी पूरे वॉलपेपर में एक पहला पीस बिछाया आप, लगाया आपने, दूसरा पीस लगा के किसी भी एक जगह पे कोई भी फर्स्ट ऊपर ऊपर की जो कोई डिज़ाइन है उसको आप मैच कर दीजिए, नीचे की डिज़ाइनें अपने आप मैच हो जाएगी, ये इसका मतलब निकलता है। स्ट्रेट लाइन है और एक जो एरो है थोड़ा ऊपर बना हुआ और एक एरो थोड़ा नीचे बना हुआ है। इसका मतलब आपको पेपर को ऐसे शिफ्ट करके ड्रॉप करके चारों थोड़ी दूर तक की डिज़ाइन मैच हो रही है या नहीं हो रही है इसका ध्यान रखना पड़ेगा। डिज़ाइन मैच करके फिर आपको लगाना है, इसको बोलते हैं ड्रॉप मैच। थोड़ा सा नीचे वॉलपेपर को ऊपर नीचे सरकाना पड़ सकता है, ऐसे वॉलपेपर में थोड़े वेस्टेज, जो पेपर का वेस्टेज जाने का जो चांसेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी के साथ एक और जो सिंबल होता है वॉलपेपर के पीछे वो होता है, एक एरो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, एक एरो नीचे की तरफ दिखा रहा है। ये जो सिंबल होता है इसका मतलब ये है कि एक पेपर आपको सीधा लगाना है, दूसरा पेपर आपको उल्टा लगाना है, फिर वापस तीसरा पेपर आपको सीधा लगाना है, चौथा पेपर उल्टा लगाना, तभी ये डिज़ाइन मैच होगी। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना लगाते टाइम। वैसे ये जो इंस्टॉलर होता है वो नॉर्मली ध्यान रखते हैं, अच्छे इंस्टॉलर्स होते हैं वो, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान रखें क्योंकि आपके घर में वॉलपेपर लगने वाला है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है वॉलपेपर जो है उसको लगाने का तरीका क्या है। लगाने का तरीका मतलब होता है तीन तरीके से वॉलपेपर लगते हैं। एक जो पहला तरीका ये है कि आप दीवार पे एडहेसिव लगाएं और पेपर चिपका दें। दूसरा होता है पेपर पे एडहेसिव लगाएं फिर चिपका दें। तीसरा जो होता है उसमें पहले से ही एडहेसिव लगा हुआ होता है, उसको पेपर को गीला करना है और लगाना है। ये जो पेपर को गीला करके लगाने वाला जो वॉलपेपर है वो इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो उसके बारे में इतना ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो लोगो होता है, ये जो वॉलपेपर के पीछे सिंबल होता है, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वॉलपेपर कौन सा वाला है, दीवार पे एडहेसिव लगाने वाला वॉलपेपर है या पेपर पे एडहेसिव लगाने वाला है वॉलपेपर है। अगर पेपर पे एडहेसिव लगाने वाला वॉलपेपर होगा तो उसमें एक लोगो ऐसा होगा जिसको आपको देख के समझ में आएगा कि ज़मीन पे पेपर रखा हुआ है और उस पर ऐसे ब्रश से हम एडहेसिव लगा रहे हैं, इस तरीके का लोगो होगा। और जिसमें एडहेसिव आपको दीवार पे लगाना है तो ऐसे दीवार का लोगो होगा और उसमें से ब्रश का निशान होगा, तो इससे समझ में आएगा कि भाई दीवार पे आपको एडहेसिव लगाना है। और जो पहले से जिस वॉलपेपर पर एडहेसिव लगा हुआ होता है उसको, उसके पीछे लोगो होता है, ऐसे बकेट बनी हुई होती है उसके अंदर एज इफ कि आपने वॉलपेपर को गीले पानी में डाल रखा है, ऐसा लोगो होता है। वो वॉलपेपर जो होता है वो सेल्फ एडहेसिव होता है, उसको गीला करो और लगा दो। लगाते समय ध्यान रखिएगा कि जो आपकी दीवार है वो क्लीन स्मूथ एंड ड्राई, इसको ऐसे मंत्र होता है ना, मंत्र जैसे याद लीजिए, क्लीन साफ होनी चाहिए, मिट्टी विट्टी नहीं चिपकी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, और ड्राई, ड्राई मतलब सूखी होनी चाहिए। और इसमें एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, फर्म, फर्म मतलब मजबूत भी होनी चाहिए, पोली भी नहीं होनी चाहिए दीवार। ये तीन चार, ये चार प्रॉब्लम अगर दीवार में है तो वॉलपेपर खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपने वॉलपेपर लगा लिया, लगाने के बाद कुछ सालों बाद आपको लग रहा है कि इस वॉलपेपर को हटाना है या आप उस वॉलपेपर से बोर हो गए, नया वॉलपेपर लगाना है, तो वॉलपेपर को उतारने के भी लोगों उसमें सिंबल्स उसमें होते हैं, तो ये आप कहीं पे नोट करके रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो सिंबल होता है स्ट्रिपेबल, स्ट्रिपेबल मतलब थोड़ा सा आप उतारिए और बीच में कुछ पत्ती डाल डाल के ऐसे ऐसे खरोच खरोच के आप उतार लीजिए।
दूसरा जो होता है पी लेबल, पी लेबल मतलब आपने वॉलपेपर को थोड़ा सा निकाला, पकड़ा और यूँ खींच दीजिए, तो वो वॉलपेपर बीच में से फटेगा नहीं और वो कंटिन्यूस पूरा ऊपर तक निकलता जाएगा। और तीसरा जो होता है वेट पी लेबल, मतलब पहले वॉलपेपर को पूरे को गीला करना है, फिर उसके बाद आपको खींच के निकालना है जितना निकल जाए, फिर बाकी जो बचा हुआ हिस्सा उसको वापस गीला करके और इसको आपको स्क्रैप करके निकालना पड़ेगा। ये तीन तरीके के वॉलपेपर होते हैं, इनके जो सिंबल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो ये थे मेजरली जितने जो वॉलपेपर के ऊपर जो सिंबल्स होते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल के बारे में बताइएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि हम इस चैनल में रेगुलरली आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए इसी तरीके के वीडियो लाते रहते हैं। और जाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दिन में कम से कम 5 मिनट एक्सरसाइज किया कीजिए, अपने शरीर को तकलीफ दीजिए, पैदल चलिए, सीढ़ियाँ चढ़िए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।